मेरी ड्रेस भी ब्लू, मेरा ब्रेसलेट भी ब्लू, मेरा पर्स भी ब्लू, सब कुछ ब्लू ब्लू। Hey guys, my name is Sanvi and welcome back to my channel Sanvi's Wonderland. तो मेरी आज की वीडियो मेरी सारी वीडियो से थोड़ी सी डिफरेंट है। तो मेरी आज की वीडियो है ओपनिंग माई होममेड ब्लाइंड बैग। तो जैसा कि अभी कोविड पैंडमिक है तो हम सब घर में हैं एंड हमें टाइम यूटिलाइज करने के लिए कुछ चाहिए, तो हम उसमें अपनी क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हैं। तो यही क्रिएटिविटी मैंने इन ब्लाइंड बैग्स बनाने में यूज़ की एंड इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। तो ये मैंने 1 वीक या 2 वीक्स पहले बना लिया था एंड अब मैं भूल चुकी हूँ कि इसके अंदर क्या था। तो मुझे अचानक से इनके बारे में याद आया तो मैंने सोचा था कि इसे आप लोग के साथ भी शेयर करूं। तो मैं आज इन्हें आप लोग के साथ ओपन करने जा रही हूं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। सो गाइस, आज का शाउट आउट जाता है मितान शाह, कीर्ति, आद्या जोशी, नबीहा और नंदिनी को। थैंक यू, आपने मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए। तो गाइस, मैंने टोटल 5 ब्लाइंड बैग्स बनाए हैं एंड अब मैं आपको दिखाऊंगी मैंने कौन से ब्लाइंड बैग्स बनाए हैं एंड उसके बाद हम इन्हें ओपन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बनाया है ये बेकर्स मिनीज ब्लाइंड बैग, जिसकी डिटेलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सो इसके साथ हमें स्टिकर्स भी मिलेंगे इनसाइड। एंड गाइस, मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो सारे ब्लाइंड बैग हैं वो सब मैंने खुद ही से बनाए हैं। इन पे जो भी चीज़ें हैं वो सब मैंने खुद ही से बनाई हैं एंड इस पे कुछ कपकेक्स बने हुए हैं एंड पीछे है एक क्वेश्चन मार्क एंड यहाँ से हम इसे कट करेंगे। आई एम वेरी एक्साइटेड। सो हमारा सेकेंड ब्लाइंड बैग भी कुछ ऐसा ही है दिखने में। सो ये है फूड लश ब्लाइंड बैग, जिसके साथ हमें एक बोनस फूड भी मिलेगा, यहाँ देख सकते हैं प्लस बोनस। एंड इस पर कुछ छोटे छोटे हार्ट्स बने हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट है। इस पर भी पीछे क्वेश्चन मार्क बना है एंड हम इसे यहाँ से कट करेंगे। जो मेरा नेक्स्ट ब्लाइंड बैग है वो है फूड एडिशन ब्लाइंड बैग, जो कि येलो कलर के पेपर से बना हुआ है एंड यहाँ पे 2 नियॉन हार्ट्स हैं एंड इसके पीछे भी क्वेश्चन मार्क है एंड हम इसे यहाँ से कट करेंगे एंड मुझे तो इसे खोलना है जल्दी जल्दी। नेक्स्ट है मेरा ये एलओएल ब्लाइंड बैग। तो ये वाला ब्लाइंड बैग में मतलब मैंने कोई वैसी स्पेसिफिक एलओएल डॉल नहीं डाली, मैंने कोई मिनी डॉल इसमें डाली है, पता नहीं मैं भूल गई हूँ मैंने कौन सी डॉल डाली है। सो हम इसे ओपन करेंगे। सो गाइस, जो नेक्स्ट है ये वाला मेरा फेवरेट है, तो ये है पॉपिट फिजेट ब्लाइंड बैग, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो मैंने सोचा चलो मैं भी बनाती हूँ एंड ये फ्रूट एडिशन है, इसके अंदर पता नहीं कौन सा फ्रूट पॉपिट मिलेगा, मुझे नहीं पता। एंड इसके यहाँ पे ऐसे छोटी छोटी चेरीज बनी है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट है एंड मिनी मिनी हार्ट्स बने हैं। सो अभी मैंने आपको अपने सारे ब्लाइंड बैग्स दिखा दिए हैं, तो मैं अब अपनी आइस क्लोज करूँगी, इसमें से 1 पिकअप करूँगी एंड उसे ओपन करूँगी। सो चलो ओपन करते हैं। सो मैं भी एक ओपन करी हूँ, मैं बिल्कुल चीटिंग नहीं कर रही सच में। सो मैंने ये वाला उठाया है। ओ ये है फूड एडिशन, सो इसमें पता नहीं कौन सा होगा और ये क्या चीज़ होगी मुझे नहीं पता एंड ये कितना ज़्यादा क्यूट सा है। सो हम इसे यहाँ से कट करेंगे, चलो कट करते हैं। कट कर रही हूँ, आई थिंक हमें और कट करना होगा, तक ओपन नहीं हो रहा ये, कैसे ये ओपन हो रहा है, थोड़ा सा और एंड या गाइस ये ओपन हो गया है, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से कट कर लिया है। ओके, सो सबसे पहले हम इसकी चेकलिस्ट निकालेंगे। सो हमें एक चेकलिस्ट मिली है यहाँ पे छोटी सी, सो हम इसको ओपन करके देखते हैं कि इसमें कौन से कैरेक्टर्स हैं। उसे मैं इसे ओपन कर रही हूँ। सो दिस इज़ आर चेकलिस्ट। सो यहाँ पे है डोनट जो कि है कॉमन एंड जूस इज़ रेयर, हॉट डॉग अल्ट्रा रेयर एंड फ्रैंकी इज़ अनकॉमन एंड पेस्ट्री इज़ कॉमन। सो इसमें हम कलेक्ट कर सकते हैं डोनट, जूस, हॉट डॉग, फ्रैंकी और पेस्ट्री। सो मुझे तो इनमें से चाहिए फ्रैंकी, लेकिन देखते हैं हमें कौन सा मिलेगा। सो मैं अभी इस चेकलिस्ट को साइड में रख देती हूँ एंड हम देखते हैं इसके अंदर क्या होगा। आई एम वेरी एक्साइटेड। ओ तो हमें मिला है डोनट, दिस इज़ सो क्यूट। मुझे फ्रैंकी चाहिए था लेकिन डोनट भी अच्छा है, तो हमें मिला है डोनट इज़ कॉमन, तो हमें कॉमन मिला है। वाओ ये कितना क्यूट है, ये ऐसे कुछ पीछे ऑरेंज शेड पे है एंड इसके स्प्रिंकल्स कितने कलरफुल हैं, कितना क्यूट डोनट है एंड ये भी मैंने खुद से बनाया है एंड मैं भूल गई थी कि मैंने ये कुछ बनाया भी है या नहीं। अब मुझे याद आया ये कितना ज़्यादा क्यूट है गाइस, तो मुझे तो ये वाला ब्लाइंड बैग बहुत पसंद आया। सो चलो अब हम अपना नेक्स्ट ब्लाइंड बैग देखते हैं। सो सबसे पहले मैं मिक्स करूँगी
कौन सा ब्लाइंड बैग है? ओह दिस इज माय फेवरेट पॉपिट फिजेट ब्लाइंड बैग। सी ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एंड ये फर्स्ट ब्लाइंड बैग था जो मैंने बनाया था। सो चलो अब हम इसे कट करके देखते हैं एंड देखेंगे इसमें कौन सा पॉपअप फिजेट है। सो मैं इसे यहाँ से कट करूँगी। आई थिंक हमें थोड़ा और कट करना पड़ेगा। सो ये कट हो गया है। सो सबसे पहले मैं इसकी चेकलिस्ट निकालूंगी। सो ये है इसकी चेकलिस्ट। इस पे छोटा सा हार्ट स्टिकर लगा है। हम इसे ओपन करेंगे। अभी मुझसे ओपन होगा भी या नहीं मुझे नहीं पता। नहीं। फाइनली मम्मी की हेल्प लेने के बाद ये स्टिकर खुला है एंड इसमें हमें मिलेगा एप्पल, बेरी, अवोकाडो, बनाना एंड मैंगो। सो एप्पल रेयर है, जो बेरी है वो कॉमन है, अवोकाडो वेरी रेयर है एंड बनाना इज कॉमन एंड मैंगो इज ऑल्सो कॉमन। सो मुझे कौन सा चाहिए? तो मुझे तो मन हो रहा है कि मुझे अवोकाडो मिले। ये इसकी चेकलिस्ट है तो अभी मैं इसे साइड में रखती हूँ एंड अब हम अपना पॉपिट इसमें से निकालेंगे। सो 1 2 3 वाओ आई गॉट दिस क्यूट अवोकाडो। ये कितना सारा क्यूट है, इसका फेस कितना इनोसेंट है एंड ये इसका टमी जो कि पॉपिट है। तो चलो इसे पॉप करते हैं। ओह वाओ गाइस दिस इज सो गुड एंड आई हैव मेड दिस बाय माई सेल्फ। सो ये ऐसे वर्क करता है। दिस इज सो क्यूट एंड चलो नेक्स्ट ब्लाइंड बैग देखते हैं। ओके सो आई गॉट दिस LOL ब्लाइंड बैग जो कि काफी ज्यादा क्यूट है। ये सबसे ज्यादा सिंपल है सारे ब्लाइंड बैग्स में से। सो चलो इसे कट करते हैं। मैंने कट करने की लाइन ज़रूर बनाई है लेकिन मैं लाइन के बाहर ही कट कर रही हूँ, पता नहीं क्यों। सो अब मैं इसे थोड़ा से ओपन करूँगी। सो सबसे पहले इसमें से निकले हैं कुछ पेपर्स। सो आई थिंक जैसे रियल LOL में निकलते हैं वैसे ही निकले हैं। सो सबसे पहले हमें मिली है ये चेकलिस्ट। तो चलो पहले चेकलिस्ट ओपन करते हैं। सो इसमें कुछ LOL के नाम दिए गए हैं, ये हमारी चेकलिस्ट है। सो सबसे पहले स्नोई है जो कि अल्ट्रा रेयर है, हनी कॉमन है एंड जैज इज रेयर। सो चलो देखते हैं हमें क्या मिलेगा, अल्ट्रा रेयर, कॉमन या फिर रेयर। इसमें 3 ही टाइप्स हैं, बाकी सारे में तो और थे। इसमें कुछ और पेपर्स ऐसे निकल रहे हैं। सो ओके सो इसमें कुछ ऐसे पेपर्स निकल रहे हैं एंड हमें मिला है ब्लू कलर की चिट एंड ब्लू इज अल्ट्रा रेयर मतलब कि स्नोई। सो हमें मिली है स्नोई। वाओ ये कितनी ज़्यादा क्यूट है, ये डांस कर रही है शिनचैन वाला डांस, बुरी 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 बुरी, कितनी ज़्यादा क्यूट है। एंड इसके साथ हमें एक और चिट मिली है जिसमें लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशंस यू गॉट स्नोई इट्स अल्ट्रा रेयर। यहाँ हमें चिट मिली है एंड ये मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगी गाइस, कितनी ज़्यादा क्यूट है। तो मुझे ये वाला ब्लाइंड बैग भी बहुत पसंद आया। गाइस अब हमारे सिर्फ 2 और ब्लाइंड बैग्स बचे हैं। सो चलो अब अपनी आइज क्लोज करके निकालते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा शफल कर दूँगी एंड आई विल पिक दिस वन एंड दिस इज फूड लश जिसके साथ बोनस भी मिलेगा। सो मैं इसके लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो इसे हम कट करेंगे यहाँ से। ओके सो आई विल कट दिस फ्रॉम हियर। से थोड़ा सा ओपन हुआ लेकिन मुझे कट करना पड़ेगा। ओपन करते ही हमको मिली है एक चेकलिस्ट, इस पर लिखा है ओपन। सो मैं इसे ऐसे ओपन करूँगी। चलो इस पर कोई वैसा स्टिकर नहीं लगा जैसा हमारे पॉपिट वाले पे लगा था वरना खुलता ही ना। सो इसमें हमें कुछ फूड आइटम्स मिले हैं एंड उसकी कैटेगरी लिखी है। तो ये बर्गर कॉमन है, पिज्ज़ा इज़ रेयर एंड डोनट इज़ अल्ट्रा रेयर। मुझे एक बार डोनट मिल चुका है लेकिन शायद इसमें कोई डिफरेंट टाइप का डोनट होता लेकिन पता नहीं अब हमें क्या मिला होगा। सो 1 2 3 ओ वाओ गाइस वी गॉट पिज्ज़ा एंड दिस इज़ सो ब्यूटीफुल एंड पिज्ज़ा हमारा रेयर है एंड ये कोई नॉर्मल पिज्ज़ा नहीं है, ये पिज़्ज़ा स्क्विश ही है एंड ये भी होममेड है एंड कितना सारा क्यूट है। इस पर यहाँ पेपरोनीज लगी हैं एंड कुछ वेजिटेबल्स हैं एंड पिज़्ज़ा का फेस भी काफ़ी इनोसेंट है एंड ये बहुत स्क्विशी भी है। लेकिन हमें बोनस नहीं मिला क्या? ओ है इसके अंदर बोनस। ओ सो हमें बोनस में मिला ये क्यूट सा वाटरमेलन जो कि थोड़ा सा स्क्विशी है पिज़्ज़ा जितना नहीं, पिज़्ज़ा इज़ मोर स्क्विशी बट ये कितना ज़्यादा क्यूट है, इसने ऐसा फिसना है से बहुत ज़्यादा क्यूट है। सो इस वाले में हमें बोनस में मिला है ये वाटरमेलन। सो दिस ब्लाइंड बैग वॉज ऑल्सो वेरी फन टू ओपन। सो अब हमारा लास्ट ब्लाइंड बैग बचा है। सो इसमें हमें आँख बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो ये है बेकरी मिनीज एंड आई थिंक इसमें कुछ बेकरी स्टफ़ मिलेगा सच एज पेस्ट्रीज एंड केक्स, आई डोंट नो व्हाट। सो जब ये ओपन नहीं हो रहा तो मैं इसे फाड़ ही देती हूँ। इसके साथ हमें स्टिकर्स भी मिलेंगे एंड हमारे बेकरी के आइटम्स निकलने के पहले, बेकरी मिनीज निकलने से पहले स्टिकर्स निकल गए हैं। सो ये है स्टिकर्स एंड इसके अंदर होंगे कुछ स्टिकर्स। ओ वाओ इसके अंदर स्टिकर्स हैं, मैं इन्हें कट करके निकाल फाड़ लेती हूँ। सो सबसे पहले हमें इसमें मिला है
ये क्यूट सा हाफ रेनबो स्टिकर, तो ये हाफ क्लाउड रेनबो स्टिकर है एंड दिस इज सो ब्यूटिफुल, वाओ, एंड ये कितना अच्छा स्टिक भी हो रहा है। एंड हमारा सेकेंड स्टिकर है ये रेनबो स्टार एंड दिस इज ऑल्सो सो ब्यूटिफुल, ये बहुत अच्छा लग रहा है। एंड थर्ड है हमारे ये मिनी हार्ट स्टिकर एंड ये लास्ट स्टिकर है बनी स्टिकर, दिस इज सो क्यूट। सो चलो अब हम अपने फाइनल मिनी के अंदर जाते हैं। सो हमें कौन सा मिनी मिला है मुझे नहीं पता। ओके दिस इज अ रेनबो पेस्ट्री स्क्विशी एंड दिस इज सो कूल एंड दिस स्क्विश वेरी वेल। सो ये कितना ज़्यादा क्यूट है एंड इसके जो रेनबो कलर्स है वो भी नियॉन है, तो मुझे नियॉन तो बहुत ज़्यादा पसंद है। सो आई लाइक दिस ब्लाइंड बैग वेरी मच। गाइस दैट्स ऑल। सो हमने आज कलेक्ट किया अवकाडो पॉपेट, रेनबो पेस्ट्री स्क्विशी, स्नोई द एलओएल डॉल, क्यूट लिटिल डोनट, कुछ स्टिकर्स भी और ये पिज्ज़ा। सो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा टॉय सबसे अच्छा लगा। मुझे तो ये अवकाडो पॉपेट और ये पिज्ज़ा स्क्विशी बेस्ट लगा, लेकिन आप मुझे बताना कि आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा। ये तो था आज की वीडियो के लिए, लेकिन अगर वीडियो को देख ही लिया है तो लाइक भी कर देना यार और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मुझे मेरे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे फॉलो करना है तो मत ही भूलना। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।